सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आपके लिए ई कॉमर्स के रिगार्डिंग एक और वीडियो लाया हूँ जो कि यूनिट 4 एंड लेसन 2 है, जिसका नाम है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इससे पहले की भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। और मैं शुरू से इस बात को कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को मूवी की तरह ना देख के कॉपी पेन लेके आराम से आप देखें। आपको बिना किसी की हेल्प के या किसी कोचिंग के आपको जो है आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी है। बट शर्त यही है, आपको कॉपी पेन लेके वो सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का जो लेसन, जो कि सेकेंड ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, जो यूनिट 4 से बिलोंग करता है और ये यूनिट 4th का एक तरह से कह दो लास्ट चैप्टर है, तो इसके साथ आपका यूनिट 4 क्लियर हो जाएगा। मैंने यूनिट नंबर 1 करा दिया है, यूनिट नंबर 2 करा दिया है, यूनिट नंबर 3 में HTML और ये सारी चीज़ें, तो भाई हम कॉमर्स वाले बच्चे कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी में घुसेंगे, तो वो मैंने थोड़ा सा नहीं बताया है उस चीज़ पे। आप उससे घबराइए मत, आप उसे स्किप भी कर दोगे तो भी आपका बेनिफिट, मेरा कहने का मतलब है। और बहुत वो छोटा चैप्टर है इसलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं। उसके बाद यूनिट 4th है जिसमें मैंने पहला चैप्टर पे ऑलरेडी बना दिया है, ये दूसरा है, तो आपका यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 5th रह जाएगा जो कि मैं आपको वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। तो ये हाउस, ऑटोमेटेड हाउस क्लियरिंग क्या हो सकता है, आप देखिए। आपको ना पहले छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये RTGS क्या होता है और नेफ्ट क्या होता है। खैर, अगर आप इन सभी को अगर आप देखो, नेफ्ट के बारे में आपने जाना, कहीं ना कहीं सुना होगा नेफ्ट होता है क्या है। ये मनी ट्रांसफ़र करने में, जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं UPI से या हम गूगल पे से या पेटीएम से, तो ये इसी के थ्रू किया जाता है। कह रहा है ना, प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग ओवर 220 बैंक इन इंडिया, यानी कह दो कि इसने इतने बैंकों को अपने उसमें सर्वर पे जोड़ रखा है जिसके थ्रू हम 24x7 ऑटोमेटेड जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब ये बैंक का झंझट क्या होता था, बैंक जब बंद हो जाता था तो अब चलो भाई अब पेमेंट नहीं कर सकते, बैंक बंद हो गया है, अब आप कल आना परसों आना तो पेमेंट रुक जाती थी, अब वो वाला झंझट खत्म हो गया। 24x7 खुला है, आप आराम से पेमेंट करिए, किसको या किसी से रिसीव करना हो रिसीव कर लीजिए, बस आप पैसा जमा कराने बैंक बस जा सकते हैं। ये है, तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। तो यहाँ देखिए लिखा है, कह रहा है देयर आर मेनी की फैक्टर अंडरस्टैंड टू ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, तो सम आर द इम्पॉर्टेंस देखिए। तो आपको हाईलाइट करने वाली ये पहला पॉइंट ये है, दिस प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर क्लियरिंग मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी भेजने वाले से रिसीवर जो मिल रहा है एक प्रॉपरली जो है मनी ट्रांसफ़र करना, और बिना कहते ना बिना किसी चोरी के आपका सिक्योरिटी के थ्रू आपके पास पैसा पहुंच जाता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 170 मेंबर बैंक एंड 1203 सब मेंबर बैंक पार्ट ऑफ दिस नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब बोलोगे ये 1203 सब मेंबर कौन से, जैसे कुछ ऐसे बैंक नॉर्मली आपने देखा होगा, पहले पेटीएम बैंक, पहले पेटीएम नहीं था, एक नॉर्मली पेटीएम था जो वॉलेट से कनेक्ट था, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे बैंकों को भी इन्होंने जो है शामिल किया गया है। देयर आर 11 मिलियन ट्रांसफ़र डन पर डे ड्यूरिंग द 1920। इसने ये भी रिकॉर्ड बता दिया है कि 2019 से 20 के बीच में 11 मिलियन ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है ना, वो भी एक साल के अंदर। और आगे कह रहा है इट हैज़ कैपेसिटी हैंडलिंग 175 मिलियन ट्रांसफ़र पर डे, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी आराम से इस चीज़ को करने की, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कितनी शॉर्ट नोट्स में इस बात को क्लियर कर रखा है कि हाउस में क्या होता है। अब कह रहा है ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, अब ये लेजर पोस्टिंग क्या होता है आप इसको देख सकते हैं। ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग हेल्प द मेंटेनिंग लेजर ऑनलाइन, ठीक है। नंबर 1, मेंटेन लेजर ऑनलाइन, उसके बाद पोस्टिंग कैन बी डन ऑटोमेटेड मैनर, जैसे लेजर अकाउंट हम बनाते थे ना किसमें जर्नल एंट्री करने के बाद, उसी से रिलेटेड है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनके एक प्रॉपरली लेजर तैयार करना।
एंड पोस्टिंग कैन बी डन ऑटोमेटेड मैनर एंड द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर विद अ सॉफ्टवेयर। यानी आपको हाथ से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम टैली वगैरह में देखते हैं ना, कुछ नहीं बनाना पड़ता, बस जर्नल एंट्री करिए, आपकी लेजर तैयार है, आपका बैलेंस शीट तैयार है, पीएनएल तैयार है। ऐसे कह रहा है कि ये ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जो है अपने आप ही सॉफ्टवेयर जो होगा वो अपने आप ही इसको प्रिपेयर कर लेगा। एडजस्टमेंट ऑफ पेंडिंग ट्रांजेक्शन कैन सेटल विद द बैंक ऑनलाइन। और जितने भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो अभी तक पे नहीं हुए हैं या बीच में किसी कारणवश एक एरर आ चुका है, उसको भी जो है सेटल किया जाता है, वो भी ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप की जाती है। आपने देखा था, अगर आपको याद हो, 11th क्लास में हम पढ़ते थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, या कह दो अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले क्या होता था, आइडेंटिफाई एनालाइज द ट्रांजेक्शन, के पहले ये चेक करना कि वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड लायक है या नहीं है, जैसे हम जिसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कहते थे, कि वही लेन देन को हमें रिकॉर्ड करना है जो मनी के टर्म में होगा, जो भी लेन देन पैसों में हुआ है। उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री करते थे, फिर उसको पोस्ट करते थे लेजर अकाउंट में, फिर उसको प्रिपेयर करते थे ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद प्रिपेयर वर्कशीट, उसके बाद रिकॉर्ड एडजस्टेड एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट, फिर क्लोजिंग एंट्री एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये पूरा जो साइकिल चलता हुआ आ रहा है 1 से लेके 10 स्टेप, इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये जो कहानी मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी को कहते हैं ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग। आपको इसमें थोड़ा क्लियर ना आ रहा हो, लेकिन आप इससे देख सकते हैं कि ये जो मैंने स्टेप आपको बताए, 1, 2, 3 एंड 4, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देख रहे हो आपको, ये सारे जो हैं इमर्जिंग मोड और सिस्टम ऑफ ई पेमेंट, जिसमें आपका पेपल भी है या अदर डिजिटल करेंसी जो हैं, इनके थ्रू आप जो है, या आप देख रहे हो गेटवे का है आपका, ईश्वर, ठीक है ना। तो ये इसके थ्रू, जैसे ये अमेज़ोन वगैरह हो गए, ये सारे क्या है, सिटी बैंक, ये सारे वीज़ा रुपए, ये सारे क्या है, ये ऑनलाइन नृत्य कह सकते हो, ई पेमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। हम ज़्यादातर कितनों को ही जानते हैं, हम ज़्यादातर वीज़ा के बारे में सुना है हमने, रुपए के बारे में पढ़ा है, सिटी के बारे में पढ़ा होगा, अमेज़ोन पे के थ्रू हमने नाम सुना हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड का नाम सुना हुआ है, वीज़ा तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, और ये आपका है मास्टर कार्ड। तो ये सारे क्या है, ऑनलाइन पेमेंट के हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये इतने सारे जो है मोड है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो बिना किसी घबराहट के, क्योंकि ये पूरा सिक्योर रहता है। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो। इसका जो अगला टॉपिक है वो है ई पेमेंट रिस्क। आपको पता ही है कि अगर आप चाहे ऑफलाइन कोई चीज़ करो तो भी रिस्क है, और ऑनलाइन आप करोगे तो भी रिस्क है, यानी रिस्क है तो इश्क है, या इश्क है तो रिस्क है। तो वो वाला सीन यहाँ पर है कि भाई चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आप कोई किसी को भी 100% प्योर नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। तो यही टॉपिक बताता है कि ई पेमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, या आप कह दो कि इंटरनेट बैंकिंग रिस्क, ठीक है ना। अब इंटरनेट बैंक, अब इसी में ई पेमेंट रिस्क में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में बिना किसी आलस के, ठीक है ना, क्योंकि अगर आलस कर लोगे तो भाई आप ये सारी चीज़ें नहीं लिख पाओगे। और आज का टॉपिक इतना ही बड़ा होगा, अगली क्लास में इसके सॉल्व की चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग रिस्क का मतलब, इंटरनेट बैंक क्रिएट अ रिस्क कंट्रोल चैलेंज नेशनल बैंक, कह रहा है फ्रॉम द सुपरवाइजरी परस्पेक्टिव रिस्क पोटेंशियल दैट इवेंट एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मे हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बैंक अर्निंग और कैपिटल। देयर आर 9 डिफाइंड कैटेगरी रिस्क फॉर अ बैंक सुपरविजन पर्पस एंड द रिस्क आर क्रेडिट। अब ये कौन कौन से रिस्क हैं इंटरेस्ट बैंक रिस्क में, सबसे पहला, अब अगर आपसे पूछे ई पेमेंट रिस्क में क्या आता है, तो ई पेमेंट रिस्क का मतलब है वही इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसमें क्या रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले है क्रेडिट रिस्क हो सकता है, ये रहा।
उसके बाद इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी, प्राइस, और इसके बारे में, सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। कह रहा है क्रेडिट रिस्क इज़ द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम दी ऑब्लिगेटर फेलियर टू मीट इन टर्म ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, ठीक है, और अदरवाइज टू परफॉर्म एग्री। जैसे अगर आपने किसी को उधार दिया है अपने क्रेडिट कार्ड से और वो बंदा फेल हो गया है पेमेंट करने से, ठीक है ना, तो अब यहाँ तो बैंक के लिए प्रॉब्लम हो ही सकती है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसी को देखते हुए ही इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। आप ये लिख सकते हैं कि क्रेडिट रिस्क रिस्क अर्निंग और कैपिटल राइजिंग फ्रॉम दी ऑब्लिगेटर फेलियर टू मी इन टर्म ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद दी बैंक या अदरवाइज टू परफॉर्म एज एग्री। या तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की, या वो जो परफॉर्म करना था उसे लोन के रिगार्डिंग वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिससे क्रेडिट रिस्क फाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जो है देख सकते हैं किस तरीके की, क्योंकि ऑनलाइन अगर सामने वाले को अगर आपने उधार दिया है या कोई ट्रांजेक्शन की पेमेंट की है, तो अब जब आप उससे पैसे मांगोगे कहीं ना कहीं अब वो पे नहीं कर पा रहा है, तो दिक्कत तो आ ही जाएगी बैंकों को। तो ये भी एक रिस्क होता है, बट हाँ, इससे अगर आपने अच्छे से हैंडल किया है तो आराम से इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी फ्रॉड भी निकल जाता है कि वो बंदा फर्जी एक आईडी बना के और आपसे ऑनलाइन जो है पैसे ले सकता है लोन के तौर पे बैंक से। तो इसीलिए देखा होगा जब भी कोई चीज़ होती है तो ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन ढंग से किया जाता है, आपका आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल फ़ोटो, उस टाइम जो आप जो फ़ोटो क्लिक करते हो वो फ़ोटो ली जाती है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। तो ये आपका क्रेडिट रिस्क है जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। अगली क्लास में जो है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता आप लंबी वीडियो देखिए, आप छोटे छोटे वीडियो से ही आप काम चला सकते हैं ताकि आपको बोर भी ना लगे और मेरे को भी बोर ना हो। तो ये आपकी वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट किए हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी जो है क्लास मैंने शुरू कर दी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए तो प्लीज़ आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप मेरे कांटेक्ट में डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो आराम से आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, अदरवाइज़ कहीं आप और रहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो फॉर रीज़नेबल प्राइस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जो है इन्हीं के साथ आप थोड़ी स्टडी करते रहिए। और अगर आप पीछे की आपने अगर स्टडी नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।